दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति सफल होता है और दूसरा असफल रह जाता है? ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है और दूसरा व्यक्ति गरीबी की जिंदगी बिताता है? ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है और दूसरा हमेशा बीमार ही रहता है? नमस्कार, मेरा नाम है संजय जैन। मैं एक लाइफ कोच और माइंड पावर कोच हूँ। दोस्तों, दो लोगों में इतना फर्क क्यों होता है? यह फर्क इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति को अपने माइंड पावर की शक्ति का पता है और उसका इस्तेमाल करना जानता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इस ज्ञान से वंचित होता है। माइंड हमारे शरीर का एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा है। दोस्तों, आपका दिमाग किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या आपको पता है आपके माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग असीमित मानी जाती है और हमारा माइंड 268 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। और कई लोग मानते हैं कि आप अपने माइंड का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह सच नहीं है। वास्तव में आप अपने माइंड का पूरा उपयोग करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ह्यूमन माइंड लगभग 23 वाट बिजली उत्पन्न कर सकता है, जिससे एक लाइट बल्ब की भी जल सकता है। मेरा आपको यह बताने का बस एक ही मकसद है कि आप जानें कि आपके माइंड की पावर क्या है और आप माइंड पावर के इस्तेमाल से असंभव को भी संभव बना सके। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर आप अपने मन में ठान लें कि आपको अमीर बनना ही बनना है, तो वास्तव में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी क्षण आपके अमीर बनने के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। इस समय जो कोई भी सक्सेसफुल और अमीर इंसान की इमेज आपके दिमाग में आ रही है, वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानता है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप अपने माइंड पावर की शक्ति का इस्तेमाल करके जो चाहें वह हासिल कर सकें। सबसे पहले तो आपको अपने मिशन इम्पॉसिबल को सेट करना है, और इसका मतलब यह है कि आप अगले 4 से 5 साल की योजना न बनाएं। समय के साथ काफी परिवर्तन आता है, जिससे कई बार आपका गोल रिलेवेंट नहीं रह जाता है और हो सकता है कि आपके गोल से भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। इसलिए आपको अपने अल्टीमेट गोल के लिए प्लान करना है, जिसमें आप अपने मेन मूल्यों और प्रेरणाओं को साथ रखकर अपने आप से पूछना है कि जीवित रहते हुए आप जो हासिल करना चाहते हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। कल्पना कीजिए कि आप जिस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हैं, जब आप ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो आप इस गोल की तरफ बढ़ना भी ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे। दूसरी बात, आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए, और इसके लिए यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी मुख्य प्रेरणा क्या है, ताकि आप अपने प्रयासों को उन लक्ष्य तक पहुंचने पर केंद्रित कर सकें। जब कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वह आपके माइंड में एक एनर्जी उत्पन्न करती है। तो आपको ऐसी ही चीजें सोचनी चाहिए जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, जिसके माध्यम से आप वही करें जो आपको करना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको खुश रहना है ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अब आप कहेंगे कि खुश रहना इतना आसान नहीं होता है, तो बात ही क्या थी। पर मैं आपको यह बता दूं कि खुश रहने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है। और अब यह इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाए, इसके 2 सिंपल तरीके हैं जिनके लिए आपको रोज टाइम निकालना ही चाहिए, और वे हैं मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। दिन में कोई एक समय चुनिए जब आप बिल्कुल रिलैक्स एनवायरनमेंट में बैठ सके। आपको रोज बैठकर अपनी आंखों को 5 मिनट के लिए बंद करना चाहिए और उस बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। ऐसा करने से एक एनर्जी क्रिएट होगी जो आपको
उस चीज के करीब ले जाएगी, और यही है जिसे हम कहते हैं द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। अपने आप पर विश्वास रखें और कल्पना करते रहें कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज संजय जैन, डायरेक्ट दिल से।